बच्चों, वेलकम टू सबका टॉपर चैनल। आपने अभी जो चैनल को विजिट किया है वो सबसे सही चैनल है। अगर आप सॉल्यूशन पढ़ना चाह रहे हो केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में आपने आपको कंसेप्ट कॉन्फिडेंस में लाना चाह रहे हो, तो यू आर ऑन द राइट पॉइंट, राइट प्लेस। अब आपको एक नोट मैं देने वाला हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग यू, आई होप दैट यू वुड बी प्रिपेयरिंग नोट्स अलॉन्ग विथ माई ऑन गोइंग लेक्चर्स। We have prepared notes for this chapter also. Link for the PDF is given in the description box. Please visit the link and download it. तो description box में आपको PDF का link मिलेगा, जिसको आप visit करने के बाद download कर लेना और वहाँ से आपको notes prepare हो जाएंगे, है ना। So don't worry about that. This is very simple task. Okay. तो अब हम लोग अपने चैप्टर पे आ रहे हैं और सॉल्यूशन हम लोगों का चैप्टर है दो। दिस इज योर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अभी तक हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रखे हैं, सॉल्यूशन में टॉपिक जो आया है वो इंट्रोडक्शन दे रखे हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपको पीडीएफ के सहारे ही बता रखा है। सो यू आर वेल फैमिलियर अबाउट इट। ओके, अब नाउ सॉल्यूशन में जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में हमने बोला है कि कंसेप्ट बिल्डिंग ये क्लास होगा आपके लिए। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्यों लिखा है, इसके पीछे यही लॉजिक है कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ होता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सारा टॉपिक, टोटल होल चैप्टर जो हमारा सॉल्यूशन का है वो इसी पे बेस्ड है कि दैट इज द कंपोजिशन, है ना। लेक्चर के सबसे बिफोर, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हमने इस चीज़ को आपसे डिस्कस किया था कि दैट इज द कंपोजिशन, यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ दस कंपाउंड्स, दो सॉल्यूशंस ना आर इन आवर लाइफ इज डिपेंड या डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस, कंपोजिशन ऑफ दैट सॉल्यूशन। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस इज कंपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एंड दैट सिंगल वर्ड कमांड्स यू on the whole chapter of solution like this. This is the composition. And what do we mean by composition? You all know about the composition. What do we mean by composition? Composition is very, very normal word, you know. So composition simply says that what is the solute and what is the solvent. If there are one solute and one solvent in your solution, that solution is known as, please remember it, that solution is known as binary solution. That is your binary solution. That is your binary solution. And binary solution, हमने simplest, that is simplest type of solution. And there may be more than one types of solutes in your solution. This is the important point. But for binary solution, we can discuss through this binary solution कि composition of solution, composition of solution, that means description of solution. Now here, this is important point, term is your description. Description is this whole chapter, है ना, whole chapter in the solution, solution में whole जितने solution chapter हम लोग topic को discuss करते हैं, that all depends on the distribution of solute, distribution of solute. मतलब क्या हुआ, solute का distribution किस तरह से है, distribution of solute. अब distribution का जो थोड़ा इंग्लिश में कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि इन सारे वर्ड को थोड़ा फॉलो करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किस तरह से सॉल्यूट का उसमें एक पूरे होल सॉल्यूशन में बटा हुआ है, सॉल्यूशन किस तरह से उसमें फैला हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और सारा चैप्टर जो हमारा सॉल्यूशन पे बेस्ड है, उस पर जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे वो इस पर ज़्यादातर सभी न्यूमेरिकल्स में, वो आगे हम लोग फॉलो करते हैं उसको, हर जगह आप देखोगे कि दैट ऑल रिलेट्स विथ, that all relates to the simple composition, solution, solute and solvent. तो composition के point of view से ये distribution होता है, ये distribution को बताना, solution में distribution को ही बताना हमारा इस chapter का main target होता है। This is very very important point for you. And अगर distribution को आपने बताना सीख लिया, अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन बताना सीख लिया कि सॉल्यूट फलाने फलाने जगह पर ऐसे ऐसे जगह जाके बैठा हुआ है, इस तरह से बैठा हुआ है, तो दैट विल डू एवरीथिंग फॉर यू इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट।
तो डिस्ट्रीब्यूशन से हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से अब ये बताने वाले हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन से टर्म हमारा जो रिलेशन है वो कहाँ से है, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आप लोगों ने बचपन से ही सेवेंथ सिक्स्थ एट्थ क्लास से पढ़ा होगा डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड आपके नॉलेज में बहुत पहले से आ रखा है, आई नो इट वेरी वेल कि डेंसिटी आपने बचपन से ही सीख रखा है। बट डेंसिटी का कंसेप्ट यहाँ पर जो आप अप्लाई करोगे दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट। दिस इज योर डेंसिटी, दिस इज योर डेंसिटी। डेंसिटी मंस डेंसिटी का मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है, दैट इज़ द डेंसिटी। और डेंसिटी किसका देखना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट देखना है। डेंसिटी किसका देखना है, सॉल्यूट का डेंसिटी देखना है। जब आप डेंसिटी वर्ड को आप फॉलो करोगे तो डेंसिटी से हम लोग सिंपल अभी तक जो सीखे हैं वो हमारा मास डेंसिटी का टर्म होता है, वो हमारा मास डेंसिटी होता था। मास डेंसिटी जो आपने सीखा होगा मास अपॉन वॉल्यूम, जो हमारा क्या था अभी तक का चैप्टर, अभी तक का जो नॉलेज है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये मास अपॉन वॉल्यूम बहुत कुछ हमको बताता है और अभी भी हर जगह इस चीज़ का नॉलेज हमारे सामने आ रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ये जो मास अपॉन वॉल्यूम जो आपने बचपन से सीख रखा है उसको आप कैसे रिलेट करोगे। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट फॉर फैमिली मोट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव ऑफ आवर स्टूडेंट लाइक दिस। अगर आपने ये रिलेट करना सीख लिया डेंसिटी को, सॉल्यूट का डेंसिटी को रिलेट करना सीख लिया सॉल्यूशन में, तो आप फुल्ली वर्स्ड हो गए फॉर द नॉलेज ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। दिस सॉल्यूशन चैप्टर इज मेक नाउ इज नाउ वेरी इजी फॉर यू फॉर डिस्कसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो डेंसिटी, अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं फिजिक्स में भी उसको डालना चाहूँगा। फिजिक्स ट्वेल्थ में भी हम चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेरी वेल उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, नो डाउट अबाउट इट। और आप उसके लिए वेट करो, मैं इतना अच्छा उस पर लेक्चर देने वाला हूँ कि आप देखते रह जाओगे और सोचोगे कि वो चीज़ आपको शायद ही कहीं मिलेगा, आई थिंक सो। तो वहाँ हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट थोड़ा सा उस पर आपको ले जाएंगे, बिकॉज ये आप ऐसा नहीं कि आपके आपके लिए बिल्कुल अननोन और अनफेमिलियर चीज़ है, बिकॉज आपको स्टडी करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी ट्वेल्थ के फिजिक्स में। तो वहाँ पर अगर आपने कर लिया होगा तो दैट विल वेरी वेरी गुड, अगर नहीं किया होगा तो मैं अभी आपको डेंसिटी से एक टर्म बहुत आसान बताता हूँ जिस पर बच्चे को बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है कि वो सोचता है क्या है भाई, कैसे है, क्या है नहीं है। तो उस पर मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ डेंसिटी से केमिस्ट्री के साथ साथ आपको फिजिक्स को भी यहाँ से हम आपको बहुत अच्छा नॉलेज देने वाले हैं। इसीलिए दिस लेक्चर इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर, मोस्ट कंसेप्चुअल लेक्चर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर ऑल्सो, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने वहाँ पर देखना है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आपसे डिस्कस मुखातिब नहीं हो पाए हैं, बट हम आप थोड़ा सा यहाँ पर से लिंक को आप बता रहे हैं कि डेंसिटी से वहाँ पर हमने जिस तरह से चार्ज डेंसिटी, वहाँ पर चार्ज डेंसिटी के बारे में, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट ये है तो वहाँ पर चार्ज सिस्टम के बारे में लोग पढ़ते हैं। एक तो डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम होता है वहाँ पर और एक कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम होती है। ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम थोड़ा सा इस लेक्चर को हम इलोबरेट कर रहे हैं, है ना, प्लीज डोंट माइंड इट अदरवाइज, ओके, बिकॉज दिस नॉलेज वी आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह से आपने नॉलेज गेन कर लिया है ना, देन दैट विल बी मोर, दैट विल गिव यू मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस अबाउट दिस चैप्टर सॉल्यूशन ऑल्सो, एंड देयर ऑल्सो वे बी यू मे गेट हेल्प फॉर दोज चैप्टर्स ऑल्सो लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड लाइक इलेक्ट्रिकल चार्ज, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो प्लीज रिमेंबर इट लाइक डिस्क्रीट चार्ज, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, और हियर दिस इज अनदर टाइप ऑफ अदर टाइप ऑफ चार्ज सिस्टम इज योर इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लाइक कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम। तो अभी आपने जो देखा डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम एंड कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम और कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एलिबरेटेड वे में आपको प्रोवाइड करेंगे। बट उसके लिए एक रिक्वेस्ट आपसे है कि जो आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पर मिल जाए। सो प्लीज सब्सक्राइब, है ना, सब्सक्राइब, दिस इज द वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर आवर क्लास, ओके, दिस इज द वर्ड सब्सक्राइब।
ये सब्सक्राइब करना है आपको, सो दैट कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो रिलेटेड टॉपिक हम आपको डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट. नाउ प्लीज कम ऑन द टॉपिक. डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम एंड कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम. तो कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम क्या होता है? डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम में आपको पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट आता है हमारा. डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम में क्या होता है? चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कंटिन्यूस चार्ज है, वही हमारा डेंसिटी का कंसेप्ट आता है. जो कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम होती है कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम, तो वहां पर क्या होता है कि व्हेन चार्ज इज क्लोजली स्पेस्ड. कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम का कंसेप्ट क्या होता है? व्हेन द चार्जेस आर क्लोजली स्पेस्ड, चार्जेस आर तो वहां पे जो चार्ज क्लोजली स्पेस्ड होगा उसके लिए आपको फिर वहां पर आप चार्ज को निकालना, बिकॉज कि चार्ज के वैल्यू को निकालना पड़ता है कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन के लिए. कूलम्स लॉ को अप्लाई करने के पहले हमको उसको चार्ज का एक सिस्टम और एक चार्ज का एंटिटी बताना पड़ता है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो चार्ज क्लोजली स्पेस्ड होते हैं उसके लिए एक यूनिफाइड यूनिफिकेशन ऑफ चार्ज करना पड़ता है. तो वो यूनिफिकेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, है ना, दैट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी. एंड आई थिंक यू मे माइट हैव फेमिलियर विद दोज वर्ड्स लाइक लीनियर चार्ज डेंसिटी. वहां पर आता है हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट नॉर्मली इट इज डिनोटेड एज लैम्डा, दैट इज योर लैम्डा. ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिलेट करते हैं. वहां पर जो कंसेप्ट आता है वहां पर ये डेंसिटी का कंसेप्ट आ रहा है, लीनियर डेंसिटी. अब इसका जो लिटरल मीनिंग हम देखने वाले हैं, तो लीनियर डेंसिटी को एक साथ आप ले लो, लीनियर डेंसिटी को एक साथ लो. लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? डेंसिटी से वर्ड यहाँ से जो हम सॉल्यूशन से आपको कवर करा रहे हैं उसके पीछे यही लॉजिक है, मोटो है कि डेंसिटी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट जो है हमारा वही डेंसिटी होता है. और आप अभी मैं बता दूँ कि जो इस पर न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आपके पास डेंसिटी दे दिया जाएगा. मान लो एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ अभी कि सॉल्यूशन में डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज वाटर लाइक दिस, है ना, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल लाइक दिस. डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होता है? ग्राम पर सीसी में. अगर डेंसिटी वहाँ पर ग्राम पर सीसी में दिया हुआ है तो उस सॉल्यूशन, यहाँ पर डेंसिटी आपको ग्राम पर सीसी में दिया हुआ रहेगा. सपोज करो यहाँ सॉल्यूशन में डेंसिटी आपको ग्राम पर सीसी, सपोज करो 117 कुछ ऐसे ग्राम पर सीसी दे रखा है. तो ये डेंसिटी देना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सॉल्यूट होगा हमारा, जिस चीज़ का, मतलब सपोज करो इतना ग्राम सीसी इसमें ग्लूकोज भुला हुआ है, इसका ग्लूकोज का डेंसिटी दे दिया आपको, है ना, ये ग्लूकोज का डेंसिटी दे दिया. ओके, तो अब आपसे कहा जाएगा कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन. मोलरिटी पूछा जाएगा, सपोज करो इसमें मोलरिटी पूछा गया आपसे, है ना. हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट की बात का बता रहा हूँ. यहाँ पर मोलरिटी आपको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मोलरिटी पूछा जा रहा है आपसे, और यहाँ पर डेंसिटी आपको प्रोवाइड कर दिया गया. तो अब कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि डेंसिटी को आप रिलेट कर लो डिस्ट्रीब्यूशन से, डेंसिटी को रिलेट करो डिस्ट्रीब्यूशन से. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास दिया हुआ है, है ना. यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किसका दिया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है ग्लूकोज का, दैट मीन्स सॉल्यूट का, सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे दिया गया है. और सॉल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन देने का मतलब क्या हुआ? यू विल नो एवरीथिंग अबाउट दैट सॉल्यूशन. इफ यू नो मोलरिटी, इफ यू नो स्ट्रेंथ, एवरीथिंग दैट विल बी नॉन ट्रू. तो आगे हम बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप अभी आपने जस्ट सीखा कि डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हम लोग करते हैं. बट यहाँ पर अगेन कंसंट्रेशन, अब हमारे पास क्या था? सॉल्यूशन को हमने दो पार्ट में किया था, सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन. अब यहाँ पर जो हमारा मेन जो थीम है, जैसे सॉल्यूशन में चल रहे हैं हम, है ना, तो ये सॉल्यूशन का आपको क्या करना होगा? दैट वर्ड इज योर डिस्क्रिप्शन, दैट वर्ड इज योर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन. इसका मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन से आपको डिस्क्राइब करना, सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करना, दैट मीन एनालिसिस ऑफ द सॉल्यूशन. दिस इज सिंपल, दिस इज फर्स्ट फॉरमोस्ट मोटो ऑफ दिस चैप्टर. बिल्कुल, सॉल्यूशन को आपने एनालिसिस करना सीख लिया, सॉल्यूशन को आपने डिस्क्राइब करना सीख लिया. एंड नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, डिस्क्राइब करना, व्हाट इज डिस्क्राइब? डिस्क्राइब का वर्ड आप इतना इंपॉर्टेंट, शायद आपने इसको फोकस नहीं किया होगा, बट मैं आपको बता दूं कि डिस्क्राइब या डिस्क्रिप्शन वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपने जब फिजिक्स में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा. ये थोड़ा सा इलेबोरेटेड मेरा लेक्चर हो रहा है ना, डोंट माइंड, है ना,
लेकिन उसमें आप अगर सोचोगे, अगर देखोगे, तो आपका कंसेप्ट बहुत सारा पॉइंट क्लियर होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने फिजिक्स में पढ़ा है, लाइक दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने जैसे देखा है फिजिक्स में, तो अब आप समझ रहे होगे कि सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, दैट बेसिकली यू हाउ मच यू आर इंटेलिजेंट दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच इज योर कैपेसिटी टू लिंकिंग दोज थिंग्स। लिंकिंग कैपेसिटी इज वेरी मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्टूडेंट। इफ यू हैव मच मोर लिंकिंग कैपेसिटी, इट मीन्स यू विल लीड ऑल ओवर द स्टूडेंट्स, ऑल यू विल लीड अमंग द ऑल द योर कंपेनियंस, ऑल योर स्टूडेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप समझो कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने सीखा है उसमें क्या सीखा आपने, इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों सीखा आपने, उसका क्या मतलब होता है। आई थिंक यू हैव नो कंक्रीट आंसर, बट देयर विल बी कंक्रीट आंसर लाइक दिस। कंसेप्चुअल बेस्ड आंसर जो होगा उसका, दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइबिंग अ मोशन ऑफ बॉडी, द मोशन ऑफ ए बॉडी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव नॉट रिकॉर्ड, यू हैव नॉट एक्सेस टू दोज पॉइंट्स लाइक दिस, बट इन दिस लेक्चर बस मैं सोचा कि थोड़ा सा आपको मैं, जो आप थोड़ा सा मिसलीड होते हो कभी कभी, बहुत ज़्यादा हमको लगता है कि कहीं कहीं से आप मिसलीड होते हो यूट्यूब के जरिए और टीचर्स के जरिए, तो मिसलीड नहीं होना है। एक वन टू वन पॉइंट को आप लिंक करते जाओ, लिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाओ, आप देखो आपके लाइफ में कितनी बड़ी अमेजिंग चेंज आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि आप जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस सिनेरियो में हम देखे हैं कि बस इक्वेशन ऑफ मोशन बढ़ा दी चलती है, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, आपको यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द बैकग्राउंड ऑफ दैट टॉपिक। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमने सॉल्यूशन से स्टार्ट किया, बेसिकली हम सॉल्यूशन पे फोकस करने ही वाले हैं, सॉल्यूशन में ही इतना आपको फोकस करने की जरूरत है, एंड दैट विल गिव यू मच मोर कॉन्फिडेंस अबाउट दैट। सो कॉन्फिडेंस में आपको लाने के लिए हमने देखा, और मैं जस्ट इसमें अभी इसमें ये हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आई एश्योरिंग यू दैट यू विल बी मच मोर बेनिफिट अबाउट दैट, अबाउट दिस डिस्कशन और दिस लेक्चर। ओके, सो हियर इक्वेशन ऑफ मोशन गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, और इट इज ऑल अबाउट द मैकेनिक्स पार्ट ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स में मेटेरियल बॉडी के मोशन को एनालिसिस करते हैं, फोर्स को एनालिसिस करते हैं हम, है ना। और वहाँ पर अगर डिस्क्राइब करने, मोशन को डिस्क्राइब करने आ गया आपको, मोशन को डिस्क्राइब करने आ गया, दैट विल ऑल अबाउट दैट चैप्टर, दैट फिजिक्स। मैकेनिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, एंड इन फिजिक्स एंड मैकेनिक्स मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द बॉडी, है ना, दैट विल बी द बैकबोन ऑफ द मैकेनिक्स। सो इस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कवर ऑल दोज पॉइंट्स इन योर फिजिक्स और इन योर केमिस्ट्री। तो नाउ कम ऑन, यहाँ पर आपको यही समझना है कि सॉल्यूशन को डिस्क्रिप्शन करना, डिस्क्राइब करना, सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द टॉपिक, फॉर द चैप्टर सॉल्यूशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम लोग डिस्क्रिप्शन को एनालिसिस करते हैं, डिस्क्रिप्शन जितना अच्छा होता है उसके अकॉर्डिंग हम मोशन को एनालिसिस करते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने जो कहा, तो सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करना, दिस इज योर ऑल्सो, दिस विल बी योर टारगेट, है ना, फॉर दिस चैप्टर। नाउ डिस्क्रिप्शन के बाद अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन को, जो सॉल्यूशन का हमने डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर बताया, डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या तरीके होते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ मेनी प्रोसेसेस बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने के तरीके कितने कितने हो सकते हैं, है ना। तो एक उसमें क्वालिटेटिव होता था, जो पहले शायद हम बोल बता चुके हैं, सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने का, है ना, सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने का, सॉल्यूशन में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को, कंसंट्रेशन मतलब ये एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ कि इसमें दो पार्ट जो होते हैं हमारे, एक पार्ट हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, एक पार्ट हमारा ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव, एंड दिस अनदर पार्ट ऑफ योर एनालिसिस, योर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव में हम जो एनालिसिस करते हैं उसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पर हम एक बात आपको बता दूँ कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी में बेखूबी से इसको डिटेल किया गया है, एनसीईआरटी में डिस्कस किया गया है, ये हम अपने तरफ से आपको नहीं दे रहा हूँ, है ना। एनालिसिस में इस तरह से हमको एनसीईआरटी बुक में इस तरह से देखा हुआ है
कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पे फोकस किया गया है, तो इसको इसको भी फोकस करने के पीछे क्या वजह हो सकती है हमारी, क्यों ऐसा किया गया है कि आपको एक एक क्लासिफिकेशन क्वालिटेटिव सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन आ रहा है और एक सॉल्यूशन यहाँ पर बेसिकली दिस इज डिस्क्रिप्शन, दिस इज नथिंग बट दिस इज डिस्क्रिप्शन, दिस इज नथिंग बट ये डिस्क्रिप्शन के अलावा कुछ नहीं है डिस्क्रिप्शन। तो आप समझ सकते हो कि डिस्क्रिप्शन कितना इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सॉल्यूशन के बारे में ऑलो आपने ये चीज़ भी सीखा होगा कि जितने प्रोसेस आप बॉडी आपके बॉडी में हो रहे हैं, इवन यू टेक योर बॉडी फॉर दिस एग्जांपल, है ना, और बॉडी प्रोसेसेस ऑलमोस्ट ऑल बॉडी प्रोसेस अकर इन सम टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के ही फेज में आपकी बॉडी में सारे प्रोसेस ऑलमोस्ट होते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सॉल्यूशन चैप्टर इज बेसिकली फ्रॉम केमिस्ट्री एंड के हाउ केमिस्ट्री इफेक्ट योर बायोलॉजिकल पार्ट, योर फंडामेंटल फिजिकल बॉडी जो है उसमें आपको किस तरह से, तो उसके फिजिकल बॉडी में आप कोई चीज़ को एनालिसिस करने के लिए आप पैथोलॉजी देखते हो, इंडस्ट्रियल यूज देखते हो, फार्मेसी देखते हो, है ना, हर जगह आपको क्या होता है लिक्विड सॉल्यूशन के कंसेप्ट को देखना ही पड़ता है, फार्मेसी में, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वहाँ पर आपको क्या दे, वहाँ पर वही चीज़ मिलता है कि डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करो आप, आपको सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन ये दिया जा रखा है, आपने सॉल्यूशन का कंपोजिशन ये दिया जा रखा है, उसके बेसिस पे उसकी प्रॉपर्टी को आप डील करते हो, दिस इज ऑल अबाउट द समथिंग। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव, अब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का जब अगला अपकमिंग हमारा वीडियोज होगा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे होगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आपको यही डिफ्रेंशिएट करता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्यूट के क्वालिटेटिव एनालिसिस से भी डिपेंड नहीं करते हम, सॉल्यूशन में क्वांटिटेटिव इफेक्ट को हम लोग वहाँ पर डिफाइन करते हैं, और सॉल्यूट में उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होते हैं वो उसी चीज़ पे डिफेंड कर डिफाइन होता है कि दैट विल इंडिपेंड, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, बट इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, नंबर्स ऑफ द सॉल्यूट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब आपने ये भी सोचा होगा कि कहाँ से हम चले, कहाँ पर आ गए, और लिंक करने की कैपेसिटी को, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई आर यू एम आई डिस्कसिंग दिस थिंग्स, है ना, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे यही लॉजिक है कि आपको एक मोटो मिले, एक फिजिक्स जो फिजिकल ये अपीयरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस है, और जब आप उसके इम्पोर्टेंस को समझोगे तो उसको पढ़ने में मज़ा आएगी, उसके पीछे आपका लॉजिक बनेगा और आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहे क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव में सिर्फ हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, डाइल्यूट और कंसेंट्रेशन, डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड, डाइल्यूटेड कंसेंट्रेट करते हैं, दैट डाइल्यूटेड कंसेंट्रेट दैट विल गिव सम हाउ नॉट एग्जैक्ट आइडिया, है ना, ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे पाता है सॉल्यूशन के बारे में, लेकिन जब हम ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं जिसमें कंसेंट्रेशन टर्म्स आते हैं, अब इसमें कौन एक रफ आइडिया में देता हूँ कंसेंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या चीज़ आते हैं हमारे, है ना, तो कंसेंट्रेशन टर्म्स यहाँ पर क्वान्टिटी में आ जाते हैं हमारे कंसेंट्रेशन टर्म्स, कंसेंट्रेशन टर्म्स, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ कंसेंट्रेशन टर्म्स को। तो कंसेंट्रेशन टर्म्स में हम लोग चल रहे हैं, कंसेंट्रेशन टर्म्स में जो हमारे पार्ट्स हैं वो क्या सब थे आपको देखना है, कंसेंट्रेशन टर्म्स क्या क्या है, है ना, आई जस्ट वॉन्ट टू एनुमरेट इट, लाइक फर्स्ट वन इज योर मास टू मास, मास टू मास, दिस इज योर डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज, ये आता है परसेंटेज में, और इसको हम लोग बोलते हैं मास बाय मास डॉट वेट बाय वेट परसेंटेज, दूसरा है हमारा W by V, और W by V इज क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, है ना, मास बाय वॉल्यूम, इस जो मास बाय मास बाय वॉल्यूम, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड वन इज योर मास बाय वॉल्यूम, एंड थर्ड वन इज योर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी हमारा परसेंटेज में आएगा, ये परसेंटेज में आएंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो इसको हम लोग जब नाम इसको नामकरण करते हैं तो मास परसेंटेज को बोल सकते हैं, इसको मास या वॉल्यूम परसेंटेज बोल सकते हैं, या वॉल्यूम इसको हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंट, इस तरह से।
ये वॉल्यूम परसेंट के नाम से हम लोग सीखते हैं इसको. ओके नेक्स्ट वन इज योर फोर्थ पॉइंट जो होगा हमारा एंड एवरीवेयर यू सी ये वेट बाय वेट दैट इज मास बाय मास. एक्चुअली केमिस्ट्री में मास और वेट में हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं लाते हैं. मास को वेट को दिस सिमिलर थिंग. ओके तो यहाँ पर जब वेट बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम नेक्स्ट वन इज योर ppm ppm. अब ये ppm क्या है? ppm को हम किस तरह से देखते हैं, ये न्यू वर्ड है हमारे साथ. और उसके बाद फिफ्थ में आ जाएगा हमारा मोलरिटी. दिस इज योर मोलरिटी. इन सभी को हम लोग 11th में भी देखते हैं और यहाँ भी हम ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज सॉल्यूशन में इसकी ज़रूरत पड़ती है इस चैप्टर में हमारा. तो मोलरिटी हो गया, फिर ये नॉर्मेलिटी हो जाता है हमारा, नॉर्मेलिटी आ जाती है. ओके और उसके आगे हमारा नॉर्मेलिटी के बाद एक आ रहा है नया आया है हमारा, ये फॉर्मेलिटी बोलते हैं इसको हम लोग. दिस इज योर फॉर्मेलिटी. फॉर्मेलिटी एंड पार्ट पर मिलियन हो गया हमारा फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी. तो दिस इज ओके दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इज योर 4, 5, 6, 7 एंड दिस इज योर 8th मोल फ्रैक्शन. दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मोल फ्रैक्शन. ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हमारे, है ना. तो यहाँ पर एक रफ आइडिया मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ कि ये सारा जो हम देख रहे हैं ऑल ऑफ देम, है ना. यहाँ पर सभी आप देखो कि डेंसिटी ही तो है, सारा डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है ना. दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पर वेट ऊपर जो हमारा टर्म होता है वो हमारा वेट बाय वेट, ये सॉल्यूट हुआ, ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉल्यूट मिला करके. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म से हमारा रिलेशन क्या आता है, व्हाट यू मीन बाय कंसंट्रेशन. यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को भी ऑब्जर्व करने वाले हैं. तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमारे सामने थे, है ना, इन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाले हैं. जस्ट अगर अपकमिंग वीडियो जो होगा उसमें अपलोड करेंगे हम कंसंट्रेशन टर्म्स को. फर्स्ट अब आप कंसंट्रेशन के बारे में बता दीजिए हमको कि व्हाट यू मीन बाय कंसंट्रेशन. ये कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन जैसे अभी हमने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए इस चैप्टर में, ये हमारा कंसंट्रेशन ही तो है जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बताता है. दैट इज द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन और यू कैन से पर केजी पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. तो ये हमारा कंसंट्रेशन को डेफिनेशन मिल रहा है, कंसंट्रेशन को हम डिफाइन करने वाले हैं ना. ओके तो यहाँ पर आप क्या देखा, ये जो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है इसका बहुत ज़्यादा टर्म्स नहीं है, वो कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलरिटी से हम नहीं देखे, मोलरिटी में है ये हमारा कंसंट्रेशन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट में. और मोस्टली हमारे जो हैं वो पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन से ही हमने कंसंट्रेशन को डिफाइन करना आया है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. प्लीज सपोर्ट अस, वी हैव ट्राइड टू प्रोवाइड यू द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल. तो अगर आप हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ सब्सक्राइब इट, है ना. अगर आपने इसको फुल्ली आपको ऑब्जर्व करना है, फुल्ली आपको अंडरस्टैंडिंग देखनी है इसकी, और अगर आप यहाँ पर सारे चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको कहीं अदर प्लेस पे जाने की ज़रूरत नहीं है. आई विल गिव यू गारंटीड एश्योरेंस, है ना, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर प्रोसेस.